लोरी की फीमेल अपने बॉक्स के अंदर है, मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलूँगा वरना मेरी आवाज़ सुनकर ना वो बाहर निकल आएगी। ये देखें इतना आहिस्ता से मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी उसने मेरी आवाज़ सुन ली है और बाहर निकल आई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार सन के न्योर भी पहले बॉक्स के अंदर थे, पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है, मैं बोलता भी नहीं हूँ, बस यहाँ से सिर्फ गुजर रहा होता हूँ और इनको पता चल जाता है और ये बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिंग नेक की फीमेल जो कि अंडों के ऊपर बैठी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बोलता भी रहूँगा तब भी ये मेरी आवाज़ सुनकर बाहर नहीं आएगी। बेला को क्या हो गया है? बेला सोई हुई है, मुझे लगा बेला कहीं मर ना गई हो। अब तो बेला इतनी ज़्यादा प्यारी हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल वाइट कलर की हो गई है और इसके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं और इसका पेट अभी वैसे का वैसा ही है। यार पता नहीं इसके बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल जवान हो चुके हैं, अब इसके बच्चे आ जाने चाहिए, लेकिन पता नहीं किधर। ये वही बेल्ट वाला निशान, पहले हमने यहाँ पर बेल्ट पहनाया था ना, तो इधर बाल ज़्यादा इसके जमा हो गए थे, एक जैसे इकट्ठे हो गए थे, उस वजह से ना इसके यहाँ पर बाल एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। ये देखें दोस्तों, डव और साथ में बजीज एक ही जगह पर दाना खाते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। कुछ डव तो ऊपर है अंडों के ऊपर बैठी हुई हैं, कुछ बजीज हमारे सामने स्टिकों के ऊपर बैठे हुए हैं और बाकी सारे नीचे यहाँ पर खा रहे हैं। और डव भी देखें सारी नीचे आ चुकी हैं। एक अंडा इस तरफ टूटा हुआ पड़ा है और मुझे लगता है इसके अंदर शायद बच्चा भी था। ये देखें बच्चा बन रहा था, लेकिन अब ये नहीं पता कि इस अंडे को बजीज ने तोड़ा या फिर डब ने, क्योंकि डब पहले भी खुद ही तोड़ के फेंक देती है ना नीचे, तो हो सकता है इस दफ़ा भी डब ने ही नीचे फेंक दिया हो। तो ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह, कल जो हम रैबिट्स के बच्चे लाए थे ना, ये इस साइड पे भी आ जाता है, फिर इनके साथ लड़ाई होती है, फिर भाग के वापस चला जाता है। ये जो ब्लैक वाला बच्चा है ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है, एक दो तीन चार, चार आपको सिर्फ यहाँ पर बाहर नजर आ रहे होंगे, बाकी जो छह है ना वो अपने घर के अंदर है, वो भी बाहर आते हैं, सुबह से काफी दफा बाहर आ चुके हैं, लेकिन जब उनका दिल करता है ना तो वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। और ये मेल फीमेल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इनको कुछ भी नहीं कहते, छोटे से बच्चों को अब तंग नहीं करना, बाहर आ जाओ, रैबिट्स को तुम बहुत ज्यादा तंग करते हो। हाँ इधर से ही देखो, इधर से ही खेलो। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चारा डाला है, सारे आ गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये तो नौ है, दसवां किधर है? दो चार छः सात आठ नौ, ये एक है ना, उसको भी निकालो ना, पता नहीं अंदर जिंदा भी है, क्या हो गया? चलो छोड़ दो, अगर नहीं निकल रहा तो खुद ही निकल आएगा। तो दोस्तों दसवां वाला बच्चा इस घर के अंदर है, वहां से हम इसे लेके आते, ओह आ गया, दे दो दे दो कितना छोटा सा है। चलो भाई तुम भी इनके साथ यहाँ पर खाओ ना, सबके साथ। हाँ अब ये पूरे हो चुके हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, दो अंडे बिल्कुल छोटे छोटे। ओह मुर्गी को तंग करते, अच्छा 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 जाता हूँ, चार अंडे इस कॉर्नर में पड़ेंगे, ये देखो अब बिल्कुल छोटे छोटे अंडे हैं एक जैसे। अब यहाँ पर मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए, ये देखिए यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, इनमें से एक अंडा गर्म है, मतलब कि एक अंडा अभी भी दिए गए, चार अंडे, दो छह अंडे, ये चार अंडे पकड़ो, चार दो अंडे ये रहे, पांच और छह, हाँ भाई काटोगे तो नहीं, कितने अंडे हैं देखो, उ काट रही है, एक दो, चलो अब तुम आराम से बैठी रहो। तो अब हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पर आठ अंडे। ये फीमेल आज बॉक्स से काफी दिनों के बाद निकली है और फिर भाग के अंदर चली गई मुझे देखकर। तो मैं अंदर जाता हूँ, इसका बॉक्स देखता हूँ, मुझे लगता है कि आज पक्का ना इसके बॉक्स में अंडे आ चुके हैं। ओहो यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी अंडा नहीं आया, ये असल में ना हमारे डर से ना भाग के बॉक्स के अंदर आ जाती है, जो ही हमें उस तरफ से आता हुआ देखती है ना ये सामने, तो एकदम से भाग के बॉक्स के अंदर। और अभी भी ये देखें इसके बॉक्स में फिलहाल कोई भी, अच्छा नहीं डरो यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबू अभी अभी आए हैं और मुझे बता रहे हैं कि हमारी बेबो को कुछ हो गया, एकदम से ना बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, उसका पेट फूल गया, पता नहीं यार उसे क्या हो गया, कुछ चीज़ खा ली है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। क्या हुआ है? एकदम से कितना ज्यादा फूल गया, ये तो सारी हवा ही पड़ी है इसके पेट में, ये अब कैसे खत्म होगी? वाक कैसे कराते हैं इसे, तो ज्यादा घुमाना पड़ेगा। ओए ओए आराम से देखना, एक साइड देखे कितनी ज्यादा मोटी होती जा रही है, पता लग रहा है जैसे इसका पेट फटने वाला है, इतना ज्यादा इसने शायद खा लिया है। इसने खाया क्या है? घास लाए हैं हम, वो खाए, कोई जड़ी बूटी तो नहीं खा ली इसने? और एकदम से इसका पेट फूल गया, मुझे डर लग रहा है कहीं से कुछ हो ना जाए, ऐसे तो ये नहीं ठीक होगी, किसी डॉक्टर वगैरह का दिखाना पड़ेगा या फिर मामू से पता करें जाके, इसे उस तरफ ले जाते, आओ इसे ना
वो ऐसे खुली जगह पर भगाते हैं, हो सकता है तब इसका पेट ठीक हो जाए। चलो चलो चलो, शाबाश। तो दोस्तों अभी हम ना इसे उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो मामू से पता करते हैं इसकी दवाई वगैरह। यार एकदम से फूली है, पता नहीं से क्या हो गया, अब डर लग रहा है कुछ हो ही ना जाए। हम ना सिर्फ इसको पक्की पक्की जगह पर घुमा रहे हैं, इसे कुछ खिला पिला नहीं रहे, और ये खुद बेचारी इतनी ज्यादा डर गई है ना कि अब कुछ खा भी नहीं रही। हटो जैन, जरा खिलाने की कोशिश करें। ये देखें, खा नहीं रही, बस ऐसे मुंह लगा रही है, और ये ना और ज्यादा फूलती जा रही है। ये देखें, घर से आई थी तो इतना ज्यादा पेट नहीं फूला हुआ था, अब यहाँ पर आकर और ज्यादा इसका पेट फूल गया। और ज्यादा नहीं दबाना, ये लात मारेगी, लात भी मारती है और गिर भी जाती है। एक दफा ना यहाँ पर ये गिर गया। एक मिनट, इसकी रस्सी, इसकी रस्सी छोड़ दो। चलो इसे जाने दो, चलो बेबो घूमो फिरो, जो ना कुछ खा रही है, बस ऐसे ही खड़ी है। ये देखें, एक साइड इसकी ज्यादा बड़ी हो गई है और दूसरी साइड छोटी हो गई है, हवा इस साइड पे आ गई है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ मामू उस तरफ, मैं उनसे एक तो पूछ लेता हूँ इसे क्या मसला है, और तब तक ना ये यहाँ पर घूम लेती है। यार ये बैठ क्यों जाती है बार बार, उठाओ 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 इसे, उठाओ उठाओ उठो, ये इसे बैठने नहीं देना, तुम इसे चिल्लाओ फिराओ। यार मैं जल्दी से जाता हूँ मामू से पूछता हूँ, मुझे बात खतरे वाली लग रही है। भाई मामू से मैंने पूछ लिया है, मामू ने मुझे दवाई का भी नाम बता दिया है और इसको जो बीमारी हुई है ना उसका भी नाम बता दिया है। तो अभी मैं जल्दी से जाता हूँ, अपनी बेबो को उठाता हूँ, अली को साथ लेता हूँ, इनको घर में छोड़ता हूँ, और फिर जल्दी से जाकर ना दवाई लेके आता हूँ और फिर बेबो को देते हैं। बेबो को हो चुकी है फिट, मैं मामू इसका नाम ये बता रहे हैं। अब पता नहीं ये क्या होती है, क्योंकि पहले कभी हुई नहीं है ना, फर्स्ट टाइम हुई है, तो अभी मुझे पता चला है। मैंने तुम्हें बोला इसको बैठने नहीं देना, फिर बिठा दिया। इसे उठाओ, घर लेके जाना है। मामू कह रहे हैं इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी जल्दी से। एक तो वो कह रहे हैं सरसों का थोड़ा सा तेल पानी में मिला के इसको दो, और दूसरा इसकी दवाई एक मिलेगी वो लेकर आनी है जल्दी से जल्दी से। चलो बेबो घर तुम्हें लेके जाए, और इसके लिए अभी हम दवाई लाते हैं। इसको पता कौन सी बीमारी होगी है, फड़िक इसका, फड़िक नहीं फड़ित होती है इसका नाम है, ये जो फूल जाता है ना पेट, ये फड़ित होती है। ये फिर गिर गई है यार, उठो उठो उठो, शाबाश, बैठना नहीं, उठाओ ना इसे, उठाओ मुझे जुकाम लगा हुआ है ना, तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा ये सरसों का है या पता नहीं कौन सा है, पता लगे कि और हम इसे दे रहे हैं, पक्की बात है ना सरसों का ही है। अब ये सारा पी ले, अगर इसे गिर, यार ये क्या बात हुई, सही नहीं पिलाते यार। ये देखो सारा हमारे ऊपर फेंक दिया ऐसे, ऐसे तो आधा तेल आंखों में चला गया। चलो 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 बेबो, अगर ठीक हो ना तो जल्दी से ये पीना पड़ेगा। एक मिनट, ये आप पिएगी, पियो पियो सारा पियो, पहले तुम इतना गिरा चुकी हो। ओ यार अली के मुंह में आ रहा। चलो इधर आओ, कोई बात नहीं, इधर आओ, थोड़ा सा रह गया, ये पिलाना तो है ना, अब इसकी जान का मसला है, सारा गिरा दिया। चलो चलो पकड़ो, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, मुझे तो लगता है ये सरसों का नहीं है, ये दूसरा है, सरसों का है। जो था वो भी गिर गया। चलो यार थोड़ा सा तो पिया है, थोड़ा सा। तो अभी दोस्तों हम जल्दी से जाते हैं, इसके लिए दवाई लेके आते हैं, बस जितना इसे तेल पीना था पी लिया। और पानी डाल के ले आयो, एग वाला पानी है, एग वाला नहीं है, एग वाला। चलो भाई पकड़ो फिर से, थोड़ा सा आ जाओ, फिर आ जाओ उस साइड से, उस साइड से। अब इसका मुंह यार ठीक से पकड़ना है, पहले भी सारा गिरा दिया, पकड़ो ना मुंह तो इसका, खोलो, पकड़ा हुआ है यार इसका, जोर से जोर से जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। पियो 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 सारा पियो, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, वैसे खत्म हो गया, इस दफा हमने सारी से पिलाई है। हाँ भाई कोई पसंद आया या अभी तक नहीं आया? मुझे नहीं लगता अब ये टेम होंगे, क्योंकि अब ये काफी बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वही वाला बच्चा है जिसने मुझे ना हमारे पिजन टेम करके दिए थे। टेम वाला किधर है, वो ऊपर है ना ब्लैक वाला, बाहर चला गया, किधर है? हाँ ये रहा, ये इसे टेम करके दिया था, जो कि बाद में हमें काटना ही शुरू हो गया। अभी हमसे डरता भी नहीं, हमें काटते हैं। और अभी ये और बच्चे लेने के लिए आया हुआ टेम करने के लिए, ये हो जाएगा, ये बड़ा हो गया अभी। बड़ा हो गया ना, अभी हमें इंतजार। ओए यहाँ पर है, मैं बताता हूँ, ये आ गया ना बच्चे, ये देखो ये टेम हो सकती है, ये वाले ये अभी ज्यादा ही छोटे हैं, ये भी छोटे हैं। अभी कितने दिन तक, कितने दिन तक? ये हफ्ते तक हो जाएगा, एक हफ्ते तक आके ले जाना, ठीक है? एक ये रहा और दूसरा ये है, दोनों ये है, ठीक है ना? एक हफ्ते तक भाई ये दोनों बच्चे हम इसके हवाले करने वाले हैं, फिर एक ये खुद रख लेगा और दूसरा हमें ये टेम करके दे देगा, जैसा हमारा जैक है ना सेम वैसा ही हमें टेम करके देगा। ये रही भाई तुम्हारी फीमेल, आओ ना काटो ना, मुझे काटो, आओ
ओए अपनी फीमेल को काट रहा है, इसको काट लो। अब मुझे समझ कर अपनी फीमेल को काट रहा है या फिर अपनी फीमेल को ही काट रहा है कि मेरे पास क्यों आ गई है। भाई उसे मैंने पकड़ा है तो तब आई है ना मेरे पास, ये देखो कितनी प्यारी है। अब भाई तुम जलते रहो ठीक है ना। अच्छा ये लो तो यहाँ पर, तुम तो इधर आओ उसके पीछे पीछे। अब मुझे काटेगा, इधर इधर, ये इतना बदमाश है भाई, सब कबूतरों में सबसे ज्यादा ढीठ ये वाला। चलो इसको भी यहाँ पर रख दो, ये सिर्फ कीड़ों के लिए है। तो दोस्तों अभी मामू यहाँ से होकर जा चुके हैं, उन्होंने हमारी बेबो को देख लिया है। माशाल्लाह से बेबो की जो पेट की सूजन थी ना वो पहले से बहुत ही कम हो गई है, और अब इसने ना ऐसे घूमना फिरना भी छोड़ दिया है। अब ये देखें मुंह हिला रही है ना, इसको कहते हैं गली मारना, यानी कि ऐसे चबाती रहती है चबाती रहती है। तो मामू ने ठीक बोला है कि ये अब थोड़ी सी देर तक चबाना शुरू कर देगी और इसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देना। तो इसने ये देखें चबाना शुरू कर दिया है। अब तकरीबन एक घंटे तक हम इसे कुछ भी नहीं देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल अपनी जगह पर आ जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पर घास वगैरह और ये चीज़ें पड़ी हैं। अली ने घास लाया था, उस घास के अंदर कोई जहरीली जड़ी बूटी आ गई थी जो इसने खा ली है, और उसके खाने से ना इसका पेट एकदम से फूल गया था और हम डर गए थे, क्योंकि पहले ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं है तो उसके लिए हम डर गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो ही हमने इसे तेल वगैरह दिया है ना तो ये अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, और उसके पेट में जितनी भी हवा थी ना वो सारी ख़त्म हो गई है, तो अब ये बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन खाने के लिए हमने इसे फिलहाल कुछ नहीं देना। ये इस तरफ रहा मेल और उस तरफ वाली है फीमेल, और ये दो पत्ते आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ से तोड़ने के बाद मेल ने चूंचे मारना शुरू कर दी थी इन पत्तों को, और फीमेल को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मुर्गा दाना खाते वक्त मुर्गियों को आवाज लगाता है ना, वैसे ही। अब मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा था, इसे नेस्टिंग करनी है या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जो इसने मुझे देखा ना अपने करीब आते हुए तो भाग कर बेचारा बिल्कुल ऐसे ना शराफत के साथ उधर खड़ा हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इनको डिस्टर्ब ना करूँ, मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ ताकि ये फिर से उन पत्तों के पास आए और फिर पत्तों को चूंचे मारे और फिर मैं देख सकूँ कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। हो सकता है ये अपनी नेस्टिंग करना चाह रहा हो, और फिर बस मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता ताकि जल्दी जल्दी नेस्टिंग करें, और यार कहीं ना कहीं बस ये जल्दी से अंडे दे दें, ताकि कितने अरसे से जो मेरी ख्वाहिश थी ना कि अंडे क्यों नहीं दे रहे वो पूरी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।